हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप सभी को गुणनखंड करना सिखाएंगे और ये आपके सामने एक क्वेश्चन लिए हैं, यक्स पे 4-13 एक्स स्क्वायर प्लस 36, इसका आपको गुणनखंड करना है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, इस तरीके से जो क्वेश्चन दिया होता है इसका जो गुणनखंड करना होता है तो इसमें क्या करते हैं कि देखिए, पहले ये यक्स पे 4-13 एक्स स्क्वायर प्लस 36 है। अभी तक आप पढ़े होंगे कि इस रूप में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि दो घात है, यहाँ से एक कम एक घात, यहाँ से इस रूप का गुणनखंड पढ़े होंगे। लेकिन यक्स पे 4-13 एक्स स्क्वायर प्लस 36 का गुणनखंड अभी नहीं पढ़े हैं। इसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसी रूप में इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे अपने तरफ से मानेंगे कि माना यक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ठीक है, यक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, जहाँ पे यक्स स्क्वायर है वहाँ पे वाई रखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि यक्स पे 4 है, यहाँ पे यक्स पे 4 है, तो इसको ऐसे लिखिए यक्स स्क्वायर पे स्क्वायर, यानी जब घात पे घात रखें दो दुना के 4 हो जाएगा, -13 यक्स स्क्वायर प्लस 36, ठीक है। अब क्या करते हैं, यक्स स्क्वायर जहाँ पे वाई लिख दीजिए, देखिए वाई का स्क्वायर हो जाएगा, -13 वाई हो जाएगा प्लस 36 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में हो जाएगा। तो चलिए, इस रूप में हो गया, तो आप क्या करते हैं, आप देखिए क्या करते हैं कि यहाँ से इसका इसमें गुणा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक छिपा होता है, हमेशा एक यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, छिपा होता है। 36 का एक में गुणा करेंगे आपका 36 होगा। अब 36 को ऐसे दो बराबर भाग में तोड़ते हैं कि गुणा करने पर हमारा 13 आ जाए, सॉरी दोस्तों, गुणा करने पर हमारा 36 आ जाए, या जोड़े और घटाएं तो कितना आ जाए, 13 आ जाए। यहाँ 36 का गुणनखंड कीजिए, देखिए 36 का करेंगे तो देखिए कितना बार, 18 होगा, 2 × 9 = 18 होगा और 9 × 1 = 9। देखिए ये क्या करेंगे, 2 × 9 = 4, यदि हम 4 और 9 लेते हैं, 9 × 4 = 36 होगा और 9 × 4 = 13 भी हो जाएगा। तो यही पद लेते हैं, तो देखिए वाई स्क्वायर माइनस कोष्ट में 9 + 4 कर दीजिए और वाई ले लीजिए प्लस 36 कर दीजिए। देखिए 9 × 4 में करेंगे तो आपका 36 हो जाएगा और 9 × 4 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। यही देखना होता है फ्रेंड्स। अब क्या करते हैं कि वाई स्क्वायर माइनस 9 × 9 हो जाएगा। यहाँ देखिए जब कोष्टक के बाहर का चिन्ह होता है तो अंदर का चिन्ह बदल देते हैं, यानी प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाए, -4y हो जाएगा प्लस 36 हो जाएगा। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अब देखिए 2, 2, अब यहाँ से देखिए कितना कामन, यहाँ से देखते हैं कितना कामन, कामन ले लीजिए। देखिए इन दोनों पद में वाई कामन है तो वाई कामन लेंगे, तो बचेगा यहाँ से वाई बचेगा, यहाँ से 9 बचेगा। यहाँ से देखिए दोनों पद में 4 कामन है, 4 लीजिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, वाई बचेगा। और देखिए जब कोष्टक के बाहर चिन्ह लेते हैं तो अंदर का चिन्ह बदल देते हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस लेंगे और 4 × 9 = 36 करेंगे। देखिए अब दोनों पद में वाई माइनस नाइन है, दोनों में कामन है तो y − 9 कामन ले लीजिए, तो अंदर आपको बचेगा कितना, y − 4 बच जाएगा, ठीक है। देखिए y − 9 y − 4 बचेगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं फ्रेंड्स, जहाँ पे ये आपका गुणनखंड हो गया, अब यहाँ पे हम ऊपर क्या माने आपको दिखाते हैं कि x स्क्वायर इक्वल टू कितना माने, y माने, तो y की जगह देखिए, अब y की जगह पे x स्क्वायर रखेंगे, तो यहाँ पे रख लीजिए यक्स स्क्वायर रख लीजिए, -9 कर लीजिए और यक्स स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ 4 लिख कर दीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी गुणनखंड कर सकते हैं, कैसे गुणनखंड होगा, यहाँ पे यक्स स्क्वायर है तो यक्स स्क्वायर रहने दीजिए, माइनस 9 को क्या कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक। इसी तरह यक्स स्क्वायर तो यक्स स्क्वायर रहने दीजिए और चाहिए 4 है, 4 को कितना कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए आपको एक फार्मूला पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक कोष्ट में ए प्लस बी होता है और एक कोष्ट में ए माइनस बी होता है, ये फार्मूला होता है। देखिए फ्रेंड्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहीं पे है तो एक कोष्ट में ए प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला होता है। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसी तरह ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है। देखिए यहाँ पे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो ए प्लस बी होगा ए माइनस बी, तो इसी तरह लिखिए, देखिए एक्स प्लस 3 करेंगे और यक्स माइनस 3 कर लीजिए, इसी तरह यक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर है, यक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर है, इसको भी एकला प्लस एकला माइनस कर दीजिए, तो यक्स माइनस 2 होगा और यक्स प्लस
यहाँ पे प्लस कर दी, यहाँ पे माइनस कर दी, एक्स माइनस टू, तो ये जाके आपका फ्रेंड्स गुणनखंड होगा। ठीक है, तो इस तरीका से हम यक्स पे 4-13 एक्स स्क्वायर प्लस 36 का गुणनखंड करेंगे तो ये आपका गुणनखंड होगा और यही आपका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इस तरीका से हम जब चार घात होता है तो इस तरीका से हम वाई बराबर मान के तब इसका हम गुणनखंड करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।